हेलो गाइस, हम लोग आज देख रहे हैं 5 अगस्त 2023 करंट अफेयर्स। इस टॉपिक पर जितने भी हम लोग जीएस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स डेली का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी हम करवा रहे हैं, जितने भी जीएस से रिलेटेड करवा रहे हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उतना तो कम से कम आपको आना ही चाहिए कि ये क्वेश्चन हर वो बच्चा करके आता है जो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है। आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे ऊपर हैं उनसे कंपटीशन है। तो आज के डेट के क्या है, 5 अगस्त की करंट अफेयर्स हम जीएस के साथ कवर करेंगे। ठीक, तो टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको तो कहता है, पहला कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कह रहा है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे, कहाँ पर लेंगे दक्षिण अफ्रीका में लेंगे। अब देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स। क्या इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? BRICS। ब्रिक्स एक ऐसी संस्था है जो कि विकासशील है। बी से मतलब होता है आपका ब्राज़ील, आर से मतलब होता है रूस, आई से मतलब होता है इंडिया, सी से मतलब होता है चाइना और एस मतलब क्या होता है साउथ अफ्रीका। जब ब्रिक्स बना था आपका ये 2001 में इसने बनने की शुरुआत की थी। 2009 में ये पूरा ब्रिक बन गया। क्या बन गया? ब्रिक, BRIC, इतना बन गया। 2010 में जब साउथ अफ्रीका कहाँ पर है अपने आप मैप में दिखाओगे तो अफ्रीका के मैप में ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के मैप में ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका जब जुड़ गया तो ये क्या बन गया? BRICS, ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, ये बात हो गई आपकी ब्रिक्स की। अब देखिए ब्रिक्स में जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया, कौन कौन सा? साउथ अफ्रीका ये है आपका, ये साउथ अफ्रीका अफ्रीका कंट्री है। ब्राज़ील जो है ये साउथ अमेरिका कंट्री है। इसके बाद रसिया है, ये एशिया का सबसे बड़ा कंट्री हो गया। इसके बाद इंडिया, तो आपको पता है ये इंडिया हो गया, और आपका साउथ अफ्रीका, ये आपके इसमें देश शामिल हैं। इसके बाद एक चर्चा ये हुई कि एक देश है अल्जीरिया, कहाँ का देश है? ये आपका अफ्रीका का देश है। ये देखिए अफ्रीका का देश है एक अल्जीरिया, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया ने हाल ही में घोषणा की है कि मुझे भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स में कौन देश ने प्रस्ताव रखा है शामिल होने के लिए, तो कौन सा देश ने रखा है? अल्जीरिया। ठीक है, इसकी राजधानी क्या? अल्जीरिया इसकी राजधानी है। और ये भूमध्य सागर देश है, ये पूरा भूमध्य सागर है। जितने भी इसके आसपास देश बस होते हैं उन सबको हम भूमध्य सागरी देश बोलते हैं। ठीक है, ये बस समय में आ गई होगी आपकी ब्रिक्स वाली। आगे देखते हैं, आगे कहता है हाल ही में, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट है पहला वाला। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स हमारे लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे कहता है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। तो किसने की? पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश ही है, ये आपको पता होगा। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये है भारत। ठीक है, ये है भारत, और भारत के बगल में कौन सा देश बना है? ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, भारत से टच होती है। सबसे ज़्यादा इसकी सीमा जो है भारत से टच होती है। इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। ये पाकिस्तान की राजधानी। पाकिस्तान जो है भारत से आज़ाद हुआ था, यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग राज्य मतलब देश के रूप में आज़ाद हुआ था, और इसे ब्रिटेन ने आज़ाद किया था। कब किया था? 14 अगस्त को
और 15 अगस्त 1947 को किसका देश आज़ाद हुआ था? अपना देश भारत। अभी हाल ही में दोनों स्वतंत्रता दिवस आने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान में ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में एक बंदरगाह बन रहा है, ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह ये चाइना बनवा रहा है यहाँ पर। चाइना सोच रहा है कि मैं यहाँ से अपना सामान ला कर सीधे यहाँ पर ले आऊँगा, वरना उसे यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पर लाना पड़ता है तो महंगा पड़ता है, सीधे यहाँ से ले आएगा सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए चाइना ने यहाँ पर कौन सा बंदरगाह बनाया है? ग्वादर बंदरगाह। हम तुम्हारे घर में टीवी लगाएंगे और हम भी देखेंगे, तुम भी देखो, है ना, कितना अच्छा है। हमारा स्पेस भी नहीं गया, हमारा काम भी बन गया। इसके बाद ग्वादर बंदरगाह चाइना यहाँ बनवा रहा है। इसके बाद चाइना ने एक हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर बनवाया है? श्रीलंका में, हम्बन टोटा, और इसको 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा हमारा क्या मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका पामीर है, हिंदू कोश है, सुलेमान है, यहाँ पर पामीर की पहाड़ी है। पामीर नॉट आपने सुनी होगी, पामीर है, हिंदू कोश है, हिंदू कोश पर्वत यहीं पर है, ठीक है, सुलेमान पर्वत है। यहाँ पर समझ में ना आ रहा हो तो मैं खाली पेज में लिख दूँ, यहाँ पर सुलेमान पर्वत भी है, सुलेमान पर्वत, ठीक, किरथार पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत, ये सब पूछता है कहाँ पर्वत कहाँ पर है, आप मैप जरूर देखें, हिंदू कुश पर्वत, ठीक। इसके बाद पाकिस्तान का जो तट है, ये तट देखेंगे आप, ये जो तट है, ये वाला तट जो है, इसे हम बोलते हैं मकरान तट, क्योंकि यहाँ पर मकरान पहाड़ी है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मकरान तट इसे बोल देते हैं, मकरान तट, ठीक। पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, साल्ट रेंज, जो कि सेंधा नमक के लिए जानी जाती है, ठीक है। और पाकिस्तान में ही खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, गोलन दर्रा, बोमल दर्रा, ये सब कहाँ पर है पाकिस्तान में? खैबर दर्रा, ये सब पूछता है, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, गोमल दर्रा पाकिस्तान में है, बोमल दर्रा, ये सब पाकिस्तान में है। ऐसे क्या होता है कि हमारा कंट्री भी रिवीजन होता रहता है, उससे रिलेटेड जो होने वाली चीज़ें या आने वाली चीज़ें वो सब रिवीजन होती रहती हैं, है ना, तो इससे कवर होता रहेगा हमारा जीएस। आगे देखते हैं, आगे कहता है, हाल ही में किसे क्वालालाम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रवि सोइंग नियुक्त किया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वालालाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं तो उसमें क्वालालाम का प्रोसेसर लगा हुआ होता है ना, तो क्वालालाम क्या है? क्वालालाम एक प्रोसेसर, कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा प्रोसेसर नहीं है, है ना, इंटेल है, AMD है, और क्वालालाम है, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेसर हैं, ठीक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे कहता है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के लिए विधेयक पारित किया है? तो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक किसने पारित किया? झारखंड की विधानसभा ने पारित किया है। अब हमारे लिए दो टॉपिक निकल के आते हैं, एक विधानसभा और एक झारखंड, दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे झारखंड कहाँ पर है, ये है झारखंड, ठीक। झारखंड बिहार से अलग नया राज्य बना था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, और 12 नवंबर 2000 को क्या बना? झारखंड, ठीक है। तो ये बिहार से होकर अलग राज्य बना था। झारखंड जो है, यहाँ की विधानसभा, यहाँ पर आपकी विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद नहीं है यहाँ पर, ठीक, विधानसभा है। विधानसभा की जो सीटें वो 81 हैं। इसके बाद यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, वो यहाँ पर कितनी है? वहाँ पर 14 है। अगर हम यहाँ की बात करें सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन वो यहाँ के सीएम है। झारखंड की जो सीमाएं हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और बंगाल से टच होती हैं, ये इतना इसका इम्पोर्टेंट है। झारखंड में अधिकतर कोयला निक्षेप पाया जाता है, यहाँ पर कोयले चट्टानें बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे कहता है, हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? अब देखिए, जो भारत है रक्षा सामग्री अधिकतर इसराइल से प्राप्त कर रहा है,
और हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इसराइल की कुछ मिसाइलें जो हैं भारत पर दिखने को मिली हैं, यानी आ गई हैं भारत, या किसी प्रकार से चली आई हैं, तो ये सुनने को मिलता है। हाँ, तो ये भारत ने किससे? इसराइल से ली। इसराइल हमारे लिए रक्षा सामग्री में बहुत इंपॉर्टेंट खास बात, मतलब योगदान देता है, क्योंकि इसराइल जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आस पास के क्षेत्र से बहुत विकसित है। ठीक है, यहाँ तक कि इसराइल टेक्नोलॉजी में चाइना तक को मात देता है कभी कभी। तो इसराइल के बारे में देखते हैं, मैप में आते हैं, मैप में समझ में आएगा। देखिए, जो इसराइल है, इसराइल भारत से इसके बहुत पुराने संबंध हैं। हालांकि इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी। अब इसराइल कहाँ पड़ता है? अब हम अगर भारत में रहते हैं तो भारत से हम किस तरफ जाएंगे? हमें पहले यही पता होना चाहिए इसराइल किस महाद्वीप में मिलेगा। तो इसराइल जो है एशिया महाद्वीप में, ये पूरा हम एशिया महाद्वीप अभी देख रहे हैं। तो अब जब हम जाते हैं भारत से पश्चिम की तरफ, ये भारत है। अब भारत से जब हम पश्चिम की तरफ गए, ये भारत से हम पश्चिम की तरफ गए, ये मिला हमको इसराइल, ये है इसराइल। ठीक है, जहाँ पर आपका लगभग एशिया आपका ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर इसराइल की स्थिति है। इसराइल की जो राजधानी है जॉर्डन है। इसराइल की क्या राजधानी? जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। जॉर्डन यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसराइल की जो सीमा है लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से, और फिलिस्तीन को मान लेते हैं अगर देश तो उससे, और यहाँ पर इजिप्ट से टच होती हैं, ये है यहाँ पर इसराइल। ठीक है, इसराइल रक्षा सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसराइल में अधिकतर यहूदी देश, इसराइल का यह नियम है कि कोई भी कहीं भी कंट्री में अगर यहूदी रहता है तो वो ऑटोमेटिक इसराइल का नागरिक है। ठीक है, इसराइल में और ख़ास बात क्या है कि इसराइल की एक एजेंसी है मोसाद, मोसाद जो सबसे खुफिया एजेंसी मानी जाती है। जैसे भारत में आपकी यूएसए की FBI हो गई, भारत की CBI हो गई, रॉ हो गया, है ना। तो ऐसे मोसाद एजेंसी कहाँ की है? ये इसराइल की है। ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ का अगर हम CM की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ कौन है? यहाँ के CM है। ठीक है, CM सॉरी PM, यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कहता है, हाल ही में नामदेव धोधो महानोर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये कवि थे, ये कवि थे। ये इसराइल वाला इंपॉर्टेंट है, इसराइल पूरा देश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे कहता है, आगे कहता है, हाल ही में किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो डायने क्रूगर को सम्मानित किया जाएगा। ये आप नोट करते जाइए कि सब करंट के क्वेश्चन हैं। करंट में क्या होता है, आपके लगभग अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 7-8 तो पढ़े हुए आते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे MCQ आ जाते हैं जो कि आपने सुने ही नहीं होंगे, आपने पढ़ा तो होगा लेकिन आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं। वो कहता है, हाल ही में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मालाबार कहाँ तट पड़ता है? केरल में पड़ता है, तो वहाँ पर ही शुरू हुआ होगा। इसको भी देखते हैं मैप में। देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक, ये भारत का मैप है। तो भारत के मैप में जो केरल का जो तट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसे? मालाबार तट, मालाबार तट। और जो आपका इसके बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक के तट को क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं। गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है तो कोंकण तट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का तट होता है, उसे क्या बोलते हैं? केजी बेसिन। ठीक, इसके बाद जो आपका उड़ीसा वाला तट होता है इसे हम बोलते हैं उत्कल तट, इसे हम उत्कल तट बोल देते हैं, या तो बोल देते हैं कलिंग तट भी बोल देते हैं। ठीक है, या तो उत्तरी सरकार तट बोल देते हैं। तो कई सारे इसके नाम हैं, 3 नाम हैं। एक आपका उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, कलिंग तट, क्योंकि यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग तट। ठीक, और इसके बाद उत्तरी सरकार कलिंग तट, इसके बाद आपका
अभी एक और क्या नाम बताया था, और तीसरा कहा था कलिंग तट, चलिए याद नहीं आ रहा। तो तीन नाम बताते हैं आपको, वो अपने वीडियो बैक करके देखेंगे तो नाम याद आ जाएंगे। तो इसके तट के कई सारे नाम, ठीक, आगे आते हैं। आगे कहता है, हाल ही में जारी FITE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी कुकेश बने शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहता है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है? देखिए, जो नाबार्ड है ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि कृषि के लिए वित्त प्रदान करती है। ये कृषि के लिए वित्त प्रदान करने वाली सब भारत की सबसे बड़ी संस्था है। ये बैंकों को ऋण देती है, कृषि ऋण, फिर बैंक के किसानों को कृषि ऋण प्रदान करती है। नाबार्ड का कभी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म, इसकी जो स्थापना हुई थी शिवरमन कमेटी के तहत 1982 में हुई थी, ठीक। इसका मुख्यालय कौन लेता है? तो मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तो नाबार्ड जो है कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था, भारत की सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में जितना भी हमने कवर किया है वो सभी इम्पोर्टेंट है, और कुछ बचा भी तो किसे प्रदान किया है? राजस्थान को प्रदान किया है। राजस्थान भारत का राज्य है, हम राजस्थान के बारे में कई सारी चीज़ें बता चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। राजस्थान ये राज्य है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। इसकी जो सीमा है पाकिस्तान से टच होती हैं। राज्य में अगर पूछे तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP और यहाँ पर गुजरात में। राजस्थान में अरावली पर्वत है, कुछ इस प्रकार से अरावली पर्वत है, इसी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली सबसे ऊंची चोटी है। केवल देवघाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, और यहाँ की जो सबसे खारे पानी की झील है भारत की, सांभर झील, तो वो राजस्थान में ही मिलती है। हवा महल जो है वो भी राजस्थान में ही है, और पेट्रोलियम राजस्थान उत्पादन करता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में दो मरुस्थल हैं, एक गर्म मरुस्थल है यानी उष्ण, और एक शीत मरुस्थल। तो जो गर्म मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान में पड़ता है, जो शीत मरुस्थल है वो कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है, ठीक है। तो भारत में दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी आपके जिस क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा है उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो तो आपको मिल ही रही होगी, सभी कुछ एक ही नाम से बना हुआ है। तो जो चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करिए, मैं उनको अगली वीडियो समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।